ये देखिए गाइस, पोहा के कटलेट या पोहा की टिक्की, इतनी टेस्टी इतनी यम्मी, चाहे मॉर्निंग का नाश्ता हो या फिर शाम का नाश्ता, चाय के साथ, चाय का सबसे बहुत इजी ढंग से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बना हुआ है, पोहा की टिक्कियां या पोहा पोहा के कटलेट। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छायामिश्रा में। गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा के कटलेट। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये हमारा पोहा था जिसको हमने पीस कर ले लिया है। देखिए इसका वो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि इसी के हिसाब से देखिए, ये हमारा चावल से बना हुआ पोहा है होता है। तो इसमें पानी किस अधिक क्वांटिटी में लगता है, या हमारा ये पोहा का पाउडर है, ठीक है, महीन जो कि पीस के हमने ले लिया है। तो देखिए, एक कटोरी हमारा ये पोहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम पोहा के कटलेट बनाते हैं, बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमने अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, ठीक है। तो अब इसमें हम ऑयल डालेंगे 2 स्पून के करीब। ये देख सकते हैं गाइस, हमने 2 स्पून के करीब ऑयल डाल दिया, तो होने देते हैं। ये देख सकते हैं गाइस, हमारा ऑयल हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे जीरा अपना 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए, थोड़ी सी धनिया पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च, ठीक है, और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी पाउडर, ये देख सकते हैं। इसको हम पका लेंगे। अब ये देखिए गाइस, गैस धीमी रखिएगा फ्लेम, और ये मिर्च और अदरक जो कद्दूकस करके रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और अब इसमें हम डालेंगे पानी। ये देख सकते हैं गाइस, ये हमारा 1 कटोरी पोहा है, तो इसमें हम इसका डबल पानी डालेंगे, यानी 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे, क्योंकि पोहा जो है वो अच्छा खासा पानी पी लेता है इस वजह से, ठीक है। तो ये 1 कटोरी और ये 2 कटोरी, वो थोड़ा सा पानी हमने पहले डाल दिया था, तो वो इसलिए क्योंकि मसाले ना हमारे जले, इस वजह से, ठीक है। अब इसमें जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं आप आराम से ऐड करें, और पानी में एक बॉयल आने दें। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, थोड़ी सी रखेंगे ऊपर से डालने के लिए, और अब इसमें हम थोड़ा सा हींग डालेंगे। तो ये अच्छे से इसमें बॉयल आने देंगे, ठीक है। ये देखिए गाइस, थोड़ा सा हमने अपना मसाला बनाया था, जो मसाला नमक था वो हमने ऐड किया हुआ। आप इसकी जगह पर अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, अब इसको इसमें बॉयल आने देंगे अच्छे से। ये देखिए गाइस, अच्छा खासा बॉयल आने लगा है हमारे पानी में, तो फ्लेम को कर देंगे धीमा, बिल्कुल बिल्कुल हमने धीमा कर दिया, और धीरे धीरे अपने ये पोहा वाला पाउडर इसमें हम ऐड करेंगे, बिल्कुल गांठे ना बने इस वजह से, ठीक है। इस तरह से ये सारा डाल दिया इसमें, और उसको अच्छे से हम मिलाएंगे और पका लेंगे, क्योंकि पका के बनाएंगे तो उसका टेस्ट कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से ठीक हो गया है, तो इसको अब हम बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको हम एक ठंडा होने देंगे अब, लेकिन नॉर्मल इतना ठंडा नहीं होने देंगे कि बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो जाए, तो हमें इतना ठंडा होने देना है कि हम हाथ इसमें लगाएं तो ये हमारे अच्छे से हाथ में टच कर सके, ठीक है। तो ये हम बनाएंगे, ये करेंगे आराम से, ठीक है। और ये देखिए, कढ़ाई में ही ठंडा करेंगे। और ये देखिए, हमने ग्रेट किया हुआ आलू ले लिया है। देखिए, आप ग्रेट कर लें ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें इसमें लंग्स नहीं चाहिए, तो इसको भी हम इसी में डालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एक नहीं मिलाना है गाइज, आप ये ना मिला देंगे। ये देखिए गाइज, आप सादा नमक थोड़ा सा और ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें हमने आलू मैश किया हुआ डाला था, जो हमने पहले नमक डाला है वो हमने डाला था पोहा के हिसाब से, और अब इसमें हमने डाला है अपने आलुओं के हिसाब से। तो नमक बिल्कुल हिसाब से देख कर डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, ठीक है। तो बस इसको अब हम करेंगे ठंडा ऐसे ही करते हुए, और ये हल्का ठंडा होने के बाद इसको हम आटे की तरह डो बना लेंगे इसका, ठीक है। और ये जो धनिया बचा के रखी थी ये भी हम इसमें ऐड करेंगे। गाइस, काम बहुत रहता है, इस वजह से स्लिप हो गई, यम्मी बिल्कुल टेस्टी लगेंगे, क्योंकि रोज रोज का नाश्ता खा के आप हो गए हैं परेशान। तो देखिए, अब ये हो चुका है, अब इसको हम ढककर इसी तरह से रख देंगे 10 मिनट के लिए, जिससे कि ये ठंडा भी हो जाएगा और हम उसे हाथ से टच कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, इस तरह से ठंडा करने के लिए रख देंगे ढककर। ये देख सकते हैं गाइस, इसको हम टच कर रहे हैं, तो अब हम टच कर सकते हैं इसको। तो अब हम देखिए आगे का प्रोसेस कि क्या करते हैं, ठीक है।
देखिए ये देखिए गाइस हमारा अच्छे से मसल गया है। देखिए गाइस ये हम उसी तरह से बना रहे हैं, देखिए आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो ठीक है, क्योंकि हमने पिछली बार गलती से मुंह से निकल गया था कि हम आज पोहे के कटलेट बना रहे हैं, तो हमने सोचा वो भी हम आपको बता दें। तो देखिए छोटे छोटे से हम टिक्की के शेप में ले लेंगे अपना और इस तरह से गोलियां बनाएंगे। इसमें आप वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, जो भी डालना है। तो इनको हम ऐसे पतला कर लेंगे, ठीक है, पतले पतले शेप में सेक लेंगे, बना लेंगे। और इनको हम आप डीप फ्राई करना चाहें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, हम इनको फ्राई करेंगे शैलो, तो हम शैलो फ्राई करते हैं। तो इसी तरह से सारे बना के रख लेते हैं। देखिए गाइस जिसमें ऑयल पड़ा हुआ है इस वजह से हमको हाथ पर भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए गाइस टिक्की बनाते समय थोड़ा सा ये यहाँ पर लगेगा कि आपका फटाफटा सा लगेगा, ठीक है, तो क्योंकि इसमें हमने मैदा या कोई चीज नहीं मिलाई है इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आप डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप इसमें थोड़ा सा मैदा भी मिला सकते हैं या फिर ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे, फिर मिलेंगे। ये देखिए गाइस सारी बन चुके हैं, तो चलिए इनको फ्राई करते हैं चल के। देखिए गाइस इसको हमने सैलो फ्राई करना है, तो हम तवे पे ही करेंगे गाइस। और इस तवे को आप देखकर एकदम सॉफ्ट मत रह जाएगा, क्योंकि इस तवे को हम पराठा बनाने और टिक्कियां बनाने के लिए ही काम यूज में लाते हैं। तो चलिए इसको हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए गाइस हमने ऑयल रख दिया है, अब इसमें हम अपनी टिक्की को हल्का क्रिस्पी होने तक एक तरफ पकाएंगे, फिर दूसरी तरफ पलट कर पकाएंगे। ये देख सकते हैं गाइस ये हमारा अच्छे से देख रहे हैं हो गया होगा। तो ये देखिए अभी हुआ नहीं है, बस हम पलट दिए तो उसको इधर भी पका लेंगे, ठीक है, बहुत कम तेल में पक जाएगी। अगर आपका नॉनस्टिक पैन है तो बिल्कुल थोड़ा सा ही लगेगा, जैसे कि इसमें देखिए जिस पर हम पराठा या टिक्कियां ही बनाते हैं तो ये लगभग नॉनस्टिक की तरह बन गया है, तो इस पर ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं पड़ती हमको। तो इसी तरह से हम सेक सेक के क्रिस्पी सेक लेंगे इसी को। अब ये देख सकते हैं गाइस दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा सिक गया, तो इसको साइड में करते जाएंगे और यहाँ पर दूसरी टिक्कियां भी इसी पे रखते जाएंगे। जैसे टिक्की वाले टिक्की सेकते हैं, बस हमको उसको उसी तरह से सेकना है। ये देखिए गाइस ये भी जब इसी तरह से हल्की क्रिस्पी हो जाएगी तब इसको भी पलट कर साइड में ही कर देंगे। ये देखिए साइड में जो रखी थी वो कितनी अच्छे से क्रिस्पी हो रही है। तो इसी तरह जो कम ऑयल पसंद करते हैं गाइस वो इसी तरह से बना सकते हैं, तो अच्छा लगेगा। ये देखिए दूसरी साइड में हो रही है क्रिस्पी, तो इनको बस ऐसे ही पलटते जाएंगे और उसको ऐसे ही सारी टिक्कियों के तो उसको सेकते जाएंगे। ये देखिए तो एक समय में कई सारी टिक्कियां बन जाएंगी तवे पे। और आप अगर डीप फ्राई करना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं गाइस ये हमारी पक चुकी हैं कुछ, ये देखिए ये दोनों तरफ से अच्छे से हो गई हैं। तो चलिए इनको सबको हम सर्व करते हैं, ठीक है। ये देखिए गाइस पोहा के कटलेट या पोहा की टिक्की बनकर रेडी है, तो हम इसे चाय के साथ कॉफी के साथ किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए यही चटनी हमने अपनी सर्व करी है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चटनी बहुत ज्यादा पसंद है सबको, तो यही इसी चटनी के साथ हम सर्व कर रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से अपने जिस जो घर में पसंद हो सबको वो सर्व कर सकते हो उसके साथ। तो आज की हमारी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी के साथ।